तो हेलो एवरीवन, मैं रॉलिन आ गया हूँ एक और ओपी सोलो रैंक पुल्स गेम प्ले के साथ। तो गाइज, मैं फाइनली टॉप 100 में चले गया और अभी मेरा रैंक चल रहा है 87। मैं कोशिश करूंगा आज टॉप 50 में चले जाऊँ। तो गाइज, आप लोग का रैंक पुल्स कैसा जा रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई, आज का गेम प्ले काफी ज्यादा ओपी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर गाइज, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइज मैं सोलो रैंक पुल्स रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहता हूँ। और गाइज, अगर ये गेम प्ले अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि गाइज वो लोग का भी रैंक पुल्स में हेल्प हो सके। तो चलो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है पहला मैच और अब मैंने सेंटर बिल्डिंग पे उतरना बंद ही कर दिया है। वहां पर जब भी उतरता हूँ मेरा ग्लिच हो जाता है। फिलहाल मुझे उतरते के साथ एकेएम मिल गया और मेरे नीचे मुझे बंदे का फुटस्टेप भी आ रहा था। चलो गाइस, बिल्कुल इजी किल। भाई, मुझे लगा था यहाँ पर एक ही बंदा होगा, पर दो बंदा निकलता है। फिलहाल मेरा लूट कंप्लीट हो चुका है और मेरे जस्ट सामने एक बंदा है। अब मेरा 3 किल हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ पर अपना लूट कंप्लीट करके यहाँ से निकलने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ से निकलने वाला ही था कि तभी मेरे सामने एक और बंदा आ जाता है। चलो गाइस, बिल्कुल इजी किल। अब भाई दूसरा बंदा फिर से आया, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। अभी मेरे पास रिकॉल का ऑप्शन बचा हुआ है, इसलिए मैं घूम घूम कर बंदे को ढूंढ रहा था। और गाइस, तभी मुझे मेरे सामने एक बंदा दिख भी जाता है। ये बंदा अगर चाहता ना तो यहाँ से बचकर निकल सकता था, पर पता नहीं ये वापस आकर क्यों रुकता है मेरे सामने। उस बंदे का पेटी लूटकर मैं वापस से आता हूँ पीछे वाले कंपाउंड में और तभी एक और बग्गी मेरे ऊपर पुश कर देता है। वो बंदा बिल्कुल मेरे सामने जाकर रुक जाता है, इसलिए मैं जल्दी से उसके क्लोजिंग कर जाता हूँ। चलो भाई, बिल्कुल इजी किल। इस मैच में भी जोन ओपन में बन रहा था, फिर भी मैं अभी जोन में मूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे बंदा है, तो उन लोगों को मैं मार के ही आगे बढ़ूंगा। अब गाइस, मेरे पीछे कोई भी नहीं है और ब्लू जोन भी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं भी गाड़ी लेकर तेजी से यहां से निकलता हूं। फिलहाल मैं जोन के बिल्कुल एज पर चल रहा हूँ क्योंकि एज बिल्कुल ओपन जोन है। अगर मैं सेंटर लेने का कोशिश करूंगा तो कोई ना कोई मुझे गाड़ी से उतार ही देगा। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मुझे मेरे जस्ट सामने एक बंदा दिखता है। चलो गाइस, बिल्कुल इजी किल। उस बंदे का पेटी लूटकर मैं यहाँ से निकलने वाला ही था कि देखो अभी मेरे साथ क्या होगा। देखा भाई, अच्छा हुआ ये बंदा थोड़ा लेट से मेरे ऊपर फायरिंग करता है, वरना मेरा भी यहाँ पर पेटी बन जाता। इस बंदे को तो मैं इजीली मार देता हूँ, पर मेरे सामने अभी एक और बंदा है, इसलिए मैं जोन के श्रिंक होने का वेट करने लगता हूँ। अगला जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं बिल्कुल जोन के साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ। और तभी मुझे पीछे की तरफ से एक बंदे का फायरिंग आता है, इसलिए मैं सोचता हूँ जोन के बिल्कुल एज पर जाकर कवर बना लूंगा, फिर उस बंदे का किल निकाल लूंगा। पर गाइस, देखो अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही गाड़ी से उतरता हूँ भाई, सीधा पेटी। खैर गाइस, कोई बात नहीं, फिर भी मेरा ठीक ठाक किल हो चुका था तो मुझे अच्छा प्लस मिल जाता है। चलो गाइस, अब चलते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ। यह है मैच नंबर 2 और इस मैच में मेरा ग्लिच हो जाता है, इसलिए मैं रिकॉल कार्ड लेकर बिल्कुल बगल वाले कंपाउंड में उतर जाता हूँ। और गाइस, इस कंपाउंड में एक और बंदा है, वो बंदा मेरे सामने वाले घर पर है और मुझे नहीं पता है उसके पास कौन सा गन है। चलो भाई, बिल्कुल इजी किल। पता नहीं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप लोग को इस ग्लिच का कुछ सॉल्यूशन पता होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। उस कंपाउंड को लूट कर मैं निकलता हूँ थोड़ा सा आगे वाले कंपाउंड में और तभी मुझे एक बाइक का साउंड आता है। चलो भाई, बिल्कुल इजी किल। इस बंदे के पास अभी रिकॉल का ऑप्शन होगा, इसलिए ये मेरे से फाइट लेने के लिए रुकता है। अगर आप लोग के पास भी रिकॉल का ऑप्शन हो ना तो इस तरह का रिस्क ले सकते हो। फिलहाल के लिए जोन से थोड़ा था स्कूल की तरफ, इसलिए मैं जा रहा था जोन का सेंटर होल्ड करने के लिए। पर गाइस, तभी एक बंदा मेरे ऊपर फायरिंग करता है। वो बंदा हिल के नीचे रहता है, इसलिए मैं सोचता हूँ हिल के ऊपर जाकर उस बंदे का आराम से किल निकाल लूंगा।
देख रहे हो गाइस, ओपन में फायरिंग करने से यही होता है। उस बंदे पे कोई और बंदा फायरिंग करने लगा था, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और मैं उसका इजी किल निकाल लेता हूँ। फिलहाल के ये जोन हार्ड शिफ्ट लेता है सेल्टर की तरफ, इसलिए मैं जा रहा हूँ सामने वाला सैक होल्ड करने के लिए। अगला जोन भी लकली यहीं पर बन जाता है और गाइस तभी मेरे सामने से एक बग्गी भी आता है। इस बंदे के बग्गी का चक्का फटा हुआ था। गाइज आप लोग इस तरह गलती बिल्कुल मत करना। अगर छोटा जोन हो चुका है, आपके बग्गी का चक्का फट चुका है, तो भाई ऑन फुट खेल लो, नहीं तो यही होगा आपके साथ, कोई ना कोई आपको गाड़ी से ही उतार देगा। मैं उस सेक के बाहर निकल जाता हूँ क्योंकि उसके जस्ट सामने एक बंदा आकर लेट गया था और वो मेरे ऊपर नेड मॉलिक कर रहा था, इसलिए मैं स्मोक करके बग्गी उठाकर निकल जाता हूँ जोन में रोटेशन देने के लिए। और तभी मुझे एक बंदा बिल्कुल ओपन में दिखता है। इस बंदे को मारकर मैं हिल भी नहीं करता हूँ, बग्गी उठाता हूँ, फिर निकलता हूँ जोन के बिल्कुल एज पर, क्योंकि गाइस फायरिंग का साउंड सुनकर सारे बंदे का ध्यान अभी इधर ही होगा, इसलिए भाई अगर हिल करूंगा ना तो कोई ना कोई मुझे मार देगा। मैं हिल तो कर लेता हूँ पर फिर से कोई बंदा मुझे डैमेज दे देता है और गाइस देखना अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। देख रहे हो भाई कितना खतरनाक बचता हूँ मैं। मुझे लग रहा था गाइस इस बंदे के पास ESP होगा। आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी देखना आगे क्या क्या होने वाला है। जैसे ही मेरा हिल कंप्लीट होता है वो बंदा बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक जाता है। और गाइस अब इस बंदे का स्प्रे देखना। देखा भाई, एक तो मैं स्मोक में था, ऊपर से सिर्फ एक दो गोली में मेरा पेटी बन जाता है। आप लोगों को क्या लगता है ये बंदा लेजिट प्लेयर था या फिर हैकर था? हैकर का मतलब गाइस कुछ खतरनाक हैक नहीं, मुझे लग रहा था इसके पास ESP तो पक्का होगा। चलो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा आज मैं अपना रैंक को 50 तक लेके चले जाऊं। और गाइस अगर आप लोग को ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल मत जाना, और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि गाइस वो लोग का भी रैंक उसमें हेल्प हो सके। तो चलो गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूं कल एक नई वीडियो के साथ।